हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे नुस्खे के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर किसी भी इंसान की हड्डियाँ बहुत दर्द करती हैं, बॉडी में पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है या फिर कमर में दर्द होता है, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है, शरीर में किसी भी तरह की कोई भी दर्द है या कमजोरी है, उसे दूर करने के लिए आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल ज़रूर करना है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल पहले हम कर चुके हैं जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, इसीलिए आज मैं इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, किसी भी इंसान की अगर घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में दर्द हो रहा है, अगर हड्डियों में दर्द रहता है, किसी इंसान के आपने सुना होगा या खुद कभी महसूस किया होगा, जैसे बेड के साथ उनका घुटना जो है टकरा जाता है बाई चांस, या किसी टेबल के साथ टकरा जाता है तो उनके घुटने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, ऐसे लगता है कि घुटना अंदर से टूट गया हो। अगर वो एक्सरा वगैरह करवाते हैं तो उसमें कुछ नहीं आता। होता क्या है, उनकी हड्डियों का जो घनत्व होता है, बोन डेंसिटी जिसे कहा जाता है, वो कम होती है। जब भी हल्की सी चोट लगती है तो हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है, चाहे एल्बो यानी कॉनी है, जैसे दीवार के साथ टकरा गई या फिर किसी गेट के साथ टकरा गई, तो ऐसे दर्द होता है जैसे बस अब बहुत दर्द हो रहा है, और कुछ दिनों तक ये दर्द बना ही रहता है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ, अगर आपने इसे फॉलो किया तो हड्डियों में होने वाला ये दर्द दूर हो जाएगा। इसके अलावा इसका एक और बहुत अच्छा फायदा है कि अगर आपको चलते टाइम या बैठते टाइम, उठते टाइम जोड़ों में से आवाज आ रही है, जोड़ों में से आवाज क्यों आती है, जब शरीर में वायु बढ़ती है और ये वायु जो है जोड़ों के साथ जाकर जमा हो जाती है, जब इंसान मूवमेंट करता है, हलचल करता है या चलता है, तो ये हवा जो है फटती है, यानी कि बबल्स के रूप में, गुब्बारे के रूप में बन जाती है, ये हवा फटती है मतलब कि बस्ट होती है, उस दौरान आवाज आती है। तो इन दोनों ही कंडीशन में, चाहे तो आपको हड्डियों में नॉर्मल दर्द होता है या फिर आपके जोड़ों से आवाज आती है, इन दोनों ही कंडीशन में इस नुस्खे का इस्तेमाल आपने जरूर करना है, और इसके जबरदस्त फायदे हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, अगर आप उन्हें ऑनलाइन घर पर बहुत आसानी से मंगवाना चाहते हैं तो आप vg.com और Amazon से बहुत आसानी से घर पर मंगवा सकते हैं। इन चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपने क्या करना है, गुनगुना दूध लेना है, गुनगुना इतना हो जिसे आप आराम से पी सकें, यानी कि 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर के बीच का आपने गुनगुना दूध ले लेना है। इसके अलावा हमने क्या लेना है, या बबुल की गोंद। दोस्तों, ये बबुल की गोंद कौन सी है, ये गोंद गतीरा नहीं है जिसे गर्मियों में खाया जाता है, खा तो हम इसे भी गर्मियों में ही रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं है कि गोंद गतीरा पानी को में भिगोया और बहुत सारा फूल जाता है जेल के तौर पे। ये बबुल की गोंद वो है जिसकी सर्दियों के दिनों में पिन्नियां बनाई जाती हैं, लेकिन हम यहाँ इसकी पिन्नी नहीं बना रहे, इसीलिए आप इसका इस्तेमाल गर्मियों में बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इस गोंद का पाउडर बना लेना है, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गोंद है और इसका मैंने पाउडर बना लिया है। किसी भी तरीके से आप पाउडर बना सकते हैं। सिर्फ आधा चम्मच इस गोंद का जो पाउडर है आपने गुनगुने दूध के अंदर मिक्स करके पी लेना है, आपको जबरदस्त फायदे होने वाले हैं, क्योंकि इस दूध के अंदर मैंगनीज और ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने का काम करता है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हड्डियों को कमजोर नहीं होने देते, हड्डियों की लचक को, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर रखते हैं। दोस्तों, सिर्फ आपने इतना ही नुस्खा करना है। इसका इस्तेमाल आपको रात को सोते टाइम करना है, जब हमारे बॉडी जो है, हमारी हड्डियां जो है वो रिपेयर होती है, रात को सोते टाइम रोज करना है। उसके बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए चलना जरूर है, ताकि ये जो आपने बबुल की गोंद का इंटेक किया है, ली है, वो अच्छे से हजम हो जाए और अपने काम करने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें सिर्फ बबुल की गोंद का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसे ऑनलाइन घर पर मंगवाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपके इसके बारे में कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।